और अब खबरें विस्तार से। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उत्तर प्रदेश हाथरस जिले में चंदप्पा क्षेत्र के गांव में एक 19 साल की बच्ची पर 14 सितंबर को सामूहिक तौर पर बलात्कार किया गया, जिसमें वह पीड़िता की जीप काटकर रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई थी। ऐसे नराधम आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग का निवेदन दिया गया। सावनेर कलमेश्वर तहसीलदार के मार्फत राष्ट्रपति को विदर्भ समन्वय समिति सदस्य भगवान भोंडे व महासचिव अजय सहारे के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन एवं नारे निदर्शन किए गए। जिस गांव में पीड़ित लड़की रहती है, उस गांव में 600 कुल परिवार रहते हैं, जिसमें सिर्फ 15 दलित परिवार रहते हैं। इन दलित व अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए और इस पीड़ित लड़की पर अमानवीय घटित अत्याचार घटनाओं में आरोपी संदीप, लवकुश, रामू व रवि नामक चारों ने भी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, अन्यथा बहुजन वंचित आघाड़ी तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसी चेतावनी दी गई। कल्याण अड़क ने जिला प्रवक्ता गंगाधर पाटिल, रमेश लोनारे, देवराव भांगे, अरुण गजबीये, आशीष चुनारकर, विजय बागड़े, वर्षा कैबंसोड़ और अन्य लोग इस समय उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबीये की रिपोर्ट।